हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले का बेटियों का सपना पूरा हो रहा है। अब देश की कोई भी बेटी राष्ट्र रक्षा के लिए सेना में जाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठा सकती है। महिलाओं का जीवन और कैरियर दोनों एक साथ चले, इसके लिए मातृ अवकाश को बढ़ाने जैसे फैसले भी किए गए हैं। देश के लोकतंत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2019 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। आज देश की सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां महिला मंत्री संभाल रही है और सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि अब समाज इस बदलाव का नेतृत्व खुद कर रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत कैसा होगा।